आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उमरिया जिले में आए दिन हत्या एवं आत्महत्या करने के मामले निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, जहां पहली घटना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत हुई है, जिसमें स्थानीय निवासी 24 वर्षीय तुलसी सिंह नामक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली एवं मृतक के शव को पुलिस और परिजनों की मौजूदगी में जिला अस्पताल लाया गया। वहीं दूसरी घटना नौरोजाबाद थाना अंतर्गत ग्राम गुलगुली में हुई है, जिसमें 32 वर्षीय जयपाल बैगा के द्वारा अपने ही घर पर फांसी के फंदे से झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली एवं घटना के दौरान घर पर कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। मृतक की पत्नी मायके चली गई थी और मृतक के माता पिता कृषि कार्य करने के लिए खेत गए हुए थे, लेकिन जब खेत से घर वापस पहुंचे तो देखा कि उनका बेटा फांसी के फंदे पर झूल रहा है, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। वही तीसरी घटना मानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई है, जहां बगैहा टोला निवासी सूरज मांझी आरोपियों के द्वारा मारपीट किए जाने पर गंभीर रूप से घायल हो गया था, जहाँ रेफर के दौरान उसकी मौत हो गई, जिनके विरुद्ध पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस एवं परिजनों की मौजूदगी में मृतकों के शवों को पीएम कार्रवाई के बाद अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों को सौंप दिया गया है एवं जांच कार्रवाई जारी है। पेशे उमरिया से शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। तुलसी सिंह पिता बुद्ध सेन सिंह उम्र 24 वर्ष फांसी लगाने के पश्चात मृत अवस्था में जिला चिकित्सालय लाया गया, जहाँ मृतक का शव परीक्षण करने के बाद उनका सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया। ये जब से कोरोना के पश्चात ये घटनाएं ज़्यादा देखने को मिली, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हैं। समय समय पे हमने निजी रूप से भी पुलिस अधीक्षक और जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात भी किया है कि बहुत सारे जिले में आत्महत्याएं की घटना घटी, इस पर रोकने के लिए सेमिनार करें और जो ग्राम में इस बात का प्रचारित किया जाए, जन जागरण किया जाए कि लोग आत्महत्या न करें। निश्चित रूप से जिस परिवार में आत्महत्या जैसी घटना घट जाती है उसके परिवार की बड़ी खराब हो जाती है। जो युवक मरा है निश्चित रूप से किन परिस्थितियों से मरा है उसको पुलिस को जाँच करना चाहिए और भविष्य में इस जिले में आत्महत्या न हो, शासन प्रशासन कोई भी ठोस एवं इस तरह की घटनाएं, सुसाइड करने की घटनाएं, चाहे वो जहर खुराने के कारण हो, चाहे फांसी लगाने के कारण हो, चाहे किसी और कारण से हो, आत्महत्याओं हत्याओं की जो घटनाएं हैं वो निरंतर बढ़ती जा रही हैं। इसके लिए मैं आम जनों से, नागरिकों से, ये अपने भाई बंधुओं से अपील करना चाहता हूं कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए आप उस संघर्ष करिए और संघर्ष करने के पश्चात उस परिस्थिति से निपटिए और निपटने की कोशिश कीजिए। आत्महत्या करना किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं है। एक व्यक्ति जब आत्महत्या करता है तो उस माता पिता और उसके परिजनों से पूछिए कि उनके ऊपर क्या बीतती है, किस तरीके से उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, उनसे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं। इसलिए आत्महत्या करना एक बुजदिली और कायरता का काम है। लाइफ में, जीवन में संघर्ष है, संघर्ष करिए और संघर्ष करके कोई भी अगर परेशानी है उस परेशानी को दूर किया जा सकता है। संघर्ष ही समस्या का